गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम और आदि को मैं तैयार करने लग रही हूँ स्कूल के लिए। तो अमय को तो मैंने भेज दिया है। अमय का टाइम है 7:15 बजे, मतलब 7:15 बजे निकल जाते हैं और 7:30 पे एंट्री है स्कूल में। तो बस अभी अमय को भेज करके नहा तो ली थी मैं जल्दी, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो अमय के स्कूल जाने से पहले ही मैं नहा ली थी और पूजा पाठ हमारा सब हो गया है। तो बस अभी बच्चों को भी स्कूल भेज दी, पहले उसको भेज दिया था, अब इसकी बारी आ गई है। तो 8:30 बजे का है आदि का स्कूल और जैसे ही अमय जाता है तो मैं इसको उठाना शुरू कर देती हूँ। थोड़ी बहुत देर उठाने में भी लगाता है, तो अभी हमें तो थोड़ा सा मतलब जल्दी उठ जाता है। जैसे बोलती हूँ कि टाइम हो गया स्कूल का तो वो तो उठ सकता है, लेकिन अभी इसकी स्टार्टिंग ही है स्कूल में, थोड़े दिन ही रह जाते हुए तो अभी मैं बड़ी मुश्किल से उठता है क्योंकि आदत नहीं है। और बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रेडी करके अभी दूध दे दिया है। तो दूध बिल्कुल भी पी नहीं रहा था, मना कर रहा था, मन नहीं है मुझे, रोटी हो जाएगी। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नहीं पिएगा तो शायद भूख लग जाए स्कूल में, क्योंकि स्कूल में तो फिर वही है कि लंच टाइम हो जाता है तभी खाते हैं। तो बस अभी बड़ी जबरदस्ती से चाचू टाट देंगे, चाचू पिटाई कर देंगे खेल में लगा के, तब बड़ी मुश्किल से मैंने इसको दूध पिलाया है। और अभी मैं इसको दिखा रही हूँ कि मैंने लंच दे दिया है और अपना अच्छे से कर लेना। तो बस अभी रेडी हो गया है, तो अभी थोड़ी देर खेल रहा है क्योंकि अभी 10-15 मिनट है इसको जाने में, स्कूल जाने में। तो अभी मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और उसके बाद यहाँ पे बस जो थोड़ी साफ सफाई है, क्लीनिंग वगैरह है, वो कर दूंगी। कमरे की बेडशीट वगैरह चेंज तो नहीं की है, वैसे ही मैंने इसको दोबारा से एक बार झाड़ के दोबारा से मैंने इसको बिछा दिया है ऐसे ही, क्योंकि रात में भी जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे इरेज करते हैं, पेंसिल शार्प करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब गिरा देते हैं, वैसे तो मैं तभी के तभी साफ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी डेली का सुबह का ये है कि एक बार इसको अच्छे से झाड़ के दोबारा से बिछा देती हूँ। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही इसको डाली थी, तो अभी मैं धोऊंगी तो नहीं, अभी 2-3 दिन बाद ही धोऊंगी। और जल्दी जल्दी धोते हैं ना बेडशीट तो उनके कलर भी फेड हो जाती है, इसलिए मैं तो बस एक हफ्ते में ही धोती हूँ अपनी बेडशीट को। और कुछ मतलब बच्चे गिरा देते हैं अगर धोनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे आदि चला गया है स्कूल में रेडी होकर के, और अभी मुझे कपड़े थे आज थोड़े से थे, मैंने हाथ से धुल लिए थे, तो अभी मैं इनको डालने आ गई हूँ छत पे। इतनी गर्मी हो रही थी ना बहुत ज्यादा, और सुबह से ही आज बहुत तेज धूप निकल रही थी, बहुत चिपचिपी वाली गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे बस अभी नाश्ते में भी टाइम था थोड़ा सा, तो अभी मैं कर रही हूँ सब जगह की डस्टिंग, वो भी बाहर की तो हो गई है। अभी आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, रिंग में भी यही है, बच्चे खाते हैं शाम को तो थोड़ा बहुत गिरा रहता है, रात को तो इतना टाइम नहीं लगता कि सफाई कर दे, और बस सुबह को तो अच्छे से हो ही जाती है, तो इसलिए बस रात को थोड़ा सा आलस भी आ जाता है कि चलो सुबह को तो करेंगे ही। तो अभी यहाँ पे मैंने बस जो डस्टिंग वगैरह थी वो कर दी, सोफे वगैरह अच्छे से साफ कर दिए हैं, और इनके कवर है वो भी अच्छे से डाल दूंगी। तो अभी झाड़ू और पोछा लगाना रह रहा है, अभी ये है कि कोई आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और डस्टिंग करते हुए इतनी गर्मी लग गई थी ना बहुत ज्यादा, और बाल भी मेरे गीले थे, सुबह मैंने ऐसे ही बांध लिए थे, बच्चों को भेजना था जल्दी हो रही थी तो गीले बाल थे, वो मैंने अभी उनका बन बना लिया है, बहुत गर्मी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पे अभी नाश्ते का टाइम हो गया था तो नाश्ता बना दिया है, और नाश्ते में मैंने बनाए थे आज सूखे आलू, और बच्चों को भी वही दिए हैं, सूखे आलू दिए हैं और पराठा। तो अभी हमने सबने भी नाश्ता कर लिया है, मम्मी ने, मैंने, पापा जी ने, और अभी बस बर्तन वगैरह ये भी सब साफ हो गए हैं। तो अभी बर्तन साफ करते हुए मैंने मम्मी से पूछा था कि क्या बनाना है, और मम्मी ने बोला कि बस ये जो बच्चों की फेवरेट दाल है वही बना लेते हैं, क्योंकि आज सब्जी भी नहीं है, कल शाम ही खत्म हुई है सब्जी, तो जब पापा जी मंडी जाएंगे तो ले जाएंगे। और बस बच्चों को भी हमारे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली दाल, तो कोई भी दाल हो इतने शौक से नहीं खाते जितना ये वाली दाल खाते हैं, साबुत मसूर वाली, और जो दली हुई होती है ना लाल वाली मसूर की दाल, वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं, उसको नींबू के अचार के साथ लेते हैं और इसको आम के अचार के साथ। तो अभी बस ये दोनों चीजें मैंने भी दी है, दाल और चावल, और आज टमाटर भी एक ही था तो कोई बात नहीं, एक से ही काम चला लेंगे, और दोनों चीजें यहाँ पे तैयार हो गई है, टमाटर और प्याज मतलब मैंने तैयार करके रख दी है, जब हमारी दाल बॉईल हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। और बीच में ही पापा जी दूध लेके आ गए थे, तो दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अभी देखिए मम्मी लगा रही है झाड़ू, तो बस अभी ये जो दूध के बर्तन है ये साफ कर दूंगी, उसके बाद मैं भी पोछा लगाऊंगी, बीच बीच में दूध को भी देखती रहूंगी,
तो अभी बस ये बर्तन वगैरह साफ करके और देखिए जब तक बर्तन वगैरह साफ किए पानी लेके आ गए थे ना पोछे का, तो हमारा दूध भी हो गया था। अभी इसको मैं फैन के नीचे रख देती हूँ, जब तक पोछा लगाते हैं ना तो फैन चलता रहता है और दूध भी हमारा ठंडा सा हो जाता है। मतलब जब तक बच्चे आते हैं ना स्कूल से तब तक ये बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फ्रिज में हम इसको रख देते हैं। तो अभी मैंने दाल को ना बॉईल होने के लिए रख दिया है, जब तक मैं पोछा लगाऊंगी जब तक ये बॉईल हो जाएगी। और अभी चावल का पानी तो नहीं रखूंगी, चावल का पानी मैं तभी रख दूंगी जब हमारे जो दाल है मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तभी मैं चावलों का पानी रख दूंगी और आटा भी तभी बनाऊंगी। तो अभी बस दाल बॉईल कर लेते हैं और जो पोछा रहता है वो लगा लेते हैं। और अभी पोछा लगा के मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और ये जो दो लौकी लेके रखी थी मम्मी ने, इनको अच्छे से मैंने धो दिया था और फ्रिज में रख दिया है। तो अभी शाम के लिए कोई सब्जी नहीं थी, अभी तो दाल बन गई है, लेकिन वही है कि शाम को क्या बनाए, तो अभी शाम का इंतजाम भी हो गया है और जो बाकी की सब्जी है वो पापा जी मंडी से ले आएंगे। तो अभी मैंने दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया, दूसरी गैस पे मैंने रख दी है चावल बनने के लिए और इधर आटा भी लगा कर रख दिया था। तो अभी दोनों बच्चों के आने में भी एक डेढ़ घंटा था, तो हमें तो सूर्य आदि तो आ जाता है 12 बजे और हमें आ जाता है 1:45 बजे। तो अभी बस मैं दाल और चावल दोनों बनाने लग रही हूँ। तो अभी चावल दाल तो हमारी बन गई थी, चावल में थोड़ी सी कमी थी जब तक ये बर्तन वगैरह मैंने लगाए और बाकी जो छोटे मोटे काम थे वो किए, हमारे चावल भी बन गए थे। तो अब जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो जो जैसे चावल बनाते हैं चावलों का पानी मुझे निकालना ही पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं पीता, सिर्फ बच्चों को पसंद है और जब तक नहीं आते हैं जब तक ठंडा हो जाता है अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी निकाल ही देती हूँ चावलों का जो पानी होता है सिंक में। और दोनों चीजें हमारी बन गई थी, अभी 11:15 के करीब टाइम हो गया था। तो अभी बस मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रही हूँ, तो यही कोशिश रहती है मेरी कि जितना हो सके जल्दी काम करूँ, बच्चों के आने से पहले थोड़ी बहुत जो एडिटिंग होती है वो कर लूँ। गुड आफ्टरनून आदु, दूध अभी ले आऊंगी। गुड आफ्टरनून बोलो, आओ इधर आओ मेरे पास। पानी नहीं पिया था स्कूल में, पी लो। स्कूल में क्यों नहीं पी के आते आप पानी? स्कूल में प्यास नहीं लगती है? नहीं, वो गिल्ला हो जाएगा आपका टोनी। क्या अब बड़े हो? क्या हुआ? आई आई काट रहे हो आप मम्मा को? कहाँ छुपो? यही रहो, आज खाना नहीं मिलेगा आपको। चलो प्यार करो मम्मा को, चलो नीचे चलते हैं। आ क्या हुआ? झूठी बहुत झूठ बोल दिए, झूठी है तू, झूठी है। मैं नहीं चलाऊंगी आपका टीवी, मैं नहीं चलाऊंगी। ये बाबा जी का है। अच्छा ये बताओ क्या देखना है आपको, क्या देखना है आपको? शिवा, शिवा। क्या और हैं? वो मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। स्पीडो, स्पीडो? क्या होता है ये? स्पाइडर होता है बहुत बड़ा, इतना बड़ा? वो तो भैया ही चलाएगा, मुझे नहीं आता चलाना। कुछ और बताओ। आप तो बड़ी हो। बड़ी तो हूँ लेकिन चलाते तो भैया है ज्यादा, मुझे नहीं पता कौन सा है। भैया चलाएगा आके, भैया के साथ देख लेना। अभी आप अपना बताओ कौन सा क्या देखना है। अब ये क्या है? अब ये क्या है? मैं तो A4 Apple या SNR चला सकती हूँ, बताओ। कैसे हो आप सब? पूछो कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया हो आप। चलो तो कपड़े बदलो, अच्छे बच्चे स्कूल से आ गए कपड़े बदलते हैं, है ना? चेंज करो।
तो फ्रेंड्स दोनों बच्चे आ गए हैं, दोनों बच्चे आ गए हैं और अभी बस इनको चेंज वेंज करा देती हूँ। आदि का तो मैंने चेंज भी करा देता, दूध भी दे देता, क्योंकि वो 12 बजे आ जाता है, उसको भूख लगी रहती है, हल्का फुल्का ही खाता है स्कूल में तो, और भूख तो इसको भी लग रही है। बस अभी इसको मैं दूंगी खाना, तो अभी चेंज कर लेगा ये, और आदि देख रहा है टीवी, तो अभी फटाफट से चेंज कर लो। और मैंने पता है आपके लिए क्या बनाया, छोले नौ मैगी, आपकी फेवरेट काली दाल, काली दाल तो इनकी फेवरेट काली दाल बनी है, दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा बनती भी रहती है हमारे घर में गर्मियों में ज़्यादातर। तो बस अभी इनको दे दूँगी खाना, जब पके कर रहा है चेंज, थोड़ी सी हवा लगा लो, थोड़ा सा है ना 5-7 मिनट रेस्ट करो, तो अभी बस मैं फिर आपको खाना दूँगी। तो जी बस अभी खाना वाना दे दूँगी इनको, फिर जो है थोड़ी बहुत देर इनको लिटाऊँगी, दोपहर में रेस्ट कराऊँगी थोड़ा सा, आँखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन बच्चे टीवी में, फ़ोन में और पढ़ाई वगैरह में रहते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है दोपहर में। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें। तो बस कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। हाँ तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं, 5-6 महीने हो गए हैं और बिल्कुल भी, मतलब आप देख लीजिए हमारी पिछली वीडियो में रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, व्यूज़ डेली के वही जाते हैं 30 या 40, हद से हद 50-60, बस इतना ही होता है। और मेहनत लगती है, एक वीडियो को तैयार करने में कम से कम 3-3.5 घंटे लग जाते हैं, तो आप ही देख लीजिए बिल्कुल भी रिज़ल्ट मतलब अच्छा नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ बस यही कहना है आपसे, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। तो बस कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।